हैं आप लोग। जितेंद्र धनराज जी की रिहाई हो गई है, आप लोग देख पा रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। नैनी जेल से जेल से छूट रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको जीतन भाई, कैसे लग रहा है रिहाई? देखिए रिहाई तो बहुत है, और ये तमाम युवा तोड़ आई है, उनका मोहब्बत है, प्यार है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर नया जुनून से हम लोग लड़ेंगे और इस दीवारों को तोड़ेंगे। चार महीने बाद आज वापस आए हैं आप, क्या ये संघर्ष क्या जारी रहेगा? बिल्कुल संघर्ष अनवरत, चार महीने क्या, चार साल भी जेल रहा जाए तो डरने वाले नहीं है, अनवरत लड़ाई जारी रहेगी। छात्र नेता जितेंद्र धनराज जी की आज रिहाई हो गई, रिहाई हो गई है, उनका काफिला जो है नैनी सेंट्रल जेल से होते हुए नैनी पुल पे आ चुका है। और आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि जितेंद्र धनराज जी के स्वागत में कितने छात्र नेता उनके पीछे हैं और आगे हैं, वो देखिए। पीछे वो काफिला दिख रहा है, धीरे धीरे आपके तरफ बढ़ता आ रहा है। अब इनको ले जाया जा रहा है पूरे प्रयागराज सिटी और जहाँ यूनिवर्सिटी है वहाँ इनको टहराया जाएगा। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि वो उनका काफिला यही आ रहा है। जितेंद्र धनराज जो है नई गाड़ी से हैं, आप देख सकते हैं उनका स्वागत नई गाड़ी से किया जा रहा है और मालाओं से वो एकदम मुने हुए हैं। आप दिखाइए स्वयं, देखिए जितेंद्र धनराज जो है आपको नमस्कार ही कर रहे हैं। उधर जितेंद्र धनराज जी का काफिला गुजरता हुआ आ रहा है, देखिए नार लगी हुई है। इनके चार महीने बाद रिहाई हुए। सर स्वागत है आपका द बहुजन नामा भीमराज दस्तक पे। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय आपको भी। और हम बता देना चाहते हैं कि जो चार महीना जेल काट के निकला गया है जी। इन जेल के सलाखों से हम छात्र नेता मजबूत ही होते हैं। और ये तनाशाही सरकार और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को बता देना चाहते हैं कि छात्र संघ की लड़ाई, फीस वृद्धि की लड़ाई, जनहित की लड़ाई, छात्र छात्राओं की लड़ाई सदैव जारी रहेगा। चार महीना क्या, चार साल भी जेल काटना पड़े तो धनराज पीछे हटने वाला नहीं है। कौन सी धारा लगाकर आपको अंदर किया गया था सर? देखिए बहुत शर्म की बात आती है कि यह विश्वविद्यालय लूटपाट की धारा लगाती है, चोरी डकैती की धारा लगाती है। इस मानसिकता का इतना मानवता खत्म हो चुका है यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कि जो मन करे वही धारा लगा दे रही है। आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम युवाओं से यही कहते हैं कि पढ़ने का पहला मकसद होता अपने अधिकार को जानना, जो कि बाबा साहब ने कहा कि पढ़ो लिखो और इस देश को भविष्य को आगे सवारो। और अनुच्छेद 32 में भी कहा गया है कि जब भी आपके अधिकारों का हनन हो तो राज्य विधानसभा लोकसभा सुप्रीम कोर्ट तक इस धारा के अनुसार अपने हक की लड़ाई लड़िए, जड़िए मत। क्या जितेंद्र धनराज चल गया जेल में जाने से? जितेंद्र धनराज जो फौलादी है, जो ये युवा तोड़ाई दिखाई दे रही है, ये सब हमारे मजबूत हाथों का इंकलाब लिखने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे आप सब हिम्मत है। जितेंद्र धनराज ना जेलों से डरा है, ना मुकदमों से डरा है, ना प्रशासन की लाठियों से डरा है। ये तो ये लाठियां से ये हड्डियां सिर्फ तोड़ सकते हैं। जो यहाँ पे युवा तोड़ाई युवा है उनके हौसले को योगी सरकार की लाठियां कहाँ से तोड़ पाएगी? बहुत बहुत धन्यवाद। ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंक नहीं देते और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रोफेसर वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव को हटा नहीं देते, ये लड़ाई तब तक रहेगी। बीजेपी सरकार को हटाने की बात कर रहे हैं, कैसे करेंगे? हटा जाएगा, युवा तोड़ाई ने रच लिया। इलाहाबाद की वो सरजमी है जो अच्छे से अच्छे की सरकार ही लाई है। पूरे युवाओं का, समस्त तोड़ाई का, छात्र छात्राओं का, बहन और भाइयों का एक ही कर्तव्य, एक ही लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से बेदखल करना है, क्योंकि उसी भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली संगीता श्रीवास्तव भी है। देखिए जब आप हक और अधिकार छात्रों की बात करेंगे तो ये प्रशासन संगीता श्रीवास्तव प्रॉक्टर महोदय आपको जेल भेजेंगे। तो हम वही कहना चाहते हैं कि इनकी लाठियों से, इनके मुकदमे से, और चार महीना जो जेल काट के जेलों से डरने वाले नहीं है। चार महीना क्या, चार साल भी समाज हित, छात्र हित,
जनहित की लड़ाई की मुद्दा की लड़ने आएगी तो 4 साल भी जेल काट लिया जाएगा। किसकी जान चली गई थी सुनने में आया था? एक आशुतोष दुबे लड़का था जो कि ब्लड प्रेशर हाई हुआ, मौके पे मौत हो गया और विश्वविद्यालय एम्बुलेंस नहीं भेजा और तमाम मुद्दों को लेके था। पहले का फर्जी मुकदमा था वो भी ला दे, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं। कितने मुकदमे थे? मुकदमे टोटल तो 10 और फिर 5-15 हो गया था, बाकी टोटल मुकदमा जोड़ेंगे तो 35-36 से अधिक मुकदमा है। बता दीजिए कि मुकदमों से डरने वाले नहीं, क्योंकि बाबा साहब को वंशज है। बिल्कुल, हमने क्या कहा कि जो जी नहीं सकता वो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जो जी नहीं सकता वो जीने की तमन्ना छोड़ दे और बहते बहते जो तहर जाए वो दरिया छोड़ दे। हम पुल थे, हमको कांटा बना दिया और अब इस कांटों से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे और योगी और मोदी को परास्त उत्तर प्रदेश और भारत में हम करेंगे। जय भीम, जय संविधान।